अगर आपने गर्मियों में मैंगो की अलग अलग डिशेस नहीं खाई, अलग अलग डेजर्ट्स नहीं खाए, तो आपने कुछ नहीं खाया। उसी का मैं एक नया पार्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है और उसको अलग अलग तरीकों से खाना बहुत पसंद है। भाई हम नॉर्मली आम तो खाते हैं बचपन से, लेकिन उसको कुछ अलग तरीके से भी बनाते हैं ना। तो मैंने आज बनाया आम का चीज केक, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको चाहिए पनीर, कर्ड और चाहिए खूब सारा चीज। अब मैंगो चीज केक है तो उसमें चीज तो चाहिए ही होगा, तो यहाँ पर मैंने दो चीज के स्लाइसेस लिए थे, क्योंकि मुझे चीज बहुत ज्यादा पसंद है। मैं चाहती तो यहाँ पर चार भी ले सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ दो लिए। वेल, दो चीज देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन मैंने कंट्रोल किया और उसके बाद इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दिया। आप शुगर को अपने हिसाब से ऐड करना। उसके बाद मैंने यहाँ पर कट करके मैंगोज रखे हुए थे, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और मिक्सी में पीस लिया अच्छे से। सब कुछ मिक्स करने के बाद, आप चाहे तो पहले से मैंगो को भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने सब मिक्स करने के बाद ही उसको पीसा। और सच बता रही हूँ, इतना टफ होता है ना पीसना। और सच बता रही हूँ, जो मिक्सी है ना मेरी, बहुत ही लाजवाब है। अब पता नहीं ये कौन लेकर आया और कहाँ से लेकर आया, लेकिन आप भी इस मिक्सी को यूज करोगे ना तो आपको हाथ रखने की जरूरत नहीं, इजीली ब्लेंड कर देगी आपकी हर एक चीज को। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए बिस्किट्स। आप कोई भी बिस्किट्स ले सकते हो, उसको आपको अच्छे से तोड़ना है। बिल्कुल उसको अच्छे से तोड़ के आपको एक बटर पेपर लेना है, उसके अंदर उसको रखना है। बिल्कुल आपको बिस्किट का पाउडर बना देना है अच्छे से, क्योंकि वही चीज केक का बेस होने वाला है। यहाँ पर मैंने अच्छे से उसको पीस लिया था, उसके बाद उसको रख दिया था सबसे नीचे और फिर उसके ऊपर ऐड किया, जो कि मैंने एक अलग बैटर बनाया हुआ था ऑलरेडी, उसके ऊपर मैंने उसको रख दिया। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। गर्मियों में वैसे ड्राई फ्रूट्स जितना कम खाओ उतना अच्छा है, अदरवाइज आपको एक्ने होने के चांसेस होते ही हैं। यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया था। उसके बाद मैंने कुछ आम को भी पेस्ट किया था, ये बिल्कुल प्लेन आम को मैंने पेस्ट करके रख दिया था और उसके ऊपर मैंने लगा दिया था। तीन चीजें मैंने यहाँ पर यूज करी है, एक तो बिस्किट का पाउडर और दूसरा जो मैंने चीज और पनीर के साथ बनाया और तीसरा रॉ मैंगो का पेस्ट। ये तीनों को आपको लेयरिंग में रखना है। आप चाहे तो इसके ऊपर भी कोई लेयरिंग कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन फिर मैंने आम को काटा पीसेस में और उसके ऊपर वो भी रख दिया। भाई आम की पूरी डिश है तो हर जगह आम आम तो दिखना ही चाहिए ना। तो मैंने ये चार स्टेप्स किए और आपका बन जाएगा चीज केक, वो भी 5 घंटे में। आप चाहे तो अभी भी खा सकते हो, इट्स जस्ट लाइक आइसक्रीम। लेकिन अगर आपको चीज केक की तरह खाना है, फील करके खाना है, तो आप इसको ओवरनाइट या 5 घंटे रखो और फिर खाओ। सबसे पहला बाइट मैंने रोहित को दिया, क्योंकि रोहित चाहता था कि वही सबसे पहला खाए और उसको सच में बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल डिफरेंट था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। आप भी घर में ट्राई करना और मुझे कॉमेंट से बताना कि कैसा लगा। मुझे आजकल कुकिंग का बहुत शौक आ रहा है। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो मेरी कुकिंग में, आप मुझे कमेंट्स करके बताना। बाकी मैं रेसिपीज आपसे शेयर करती रहूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, लव यू ऑल।